जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल वर्तमान में है। सो मेक योर प्रेजेंट ब्राइट, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट इटसेल्फ। इसीलिए अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए, सुनहरा बनाइए, भविष्य स्वतः सुनहरा हो जाएगा। वेलकम टू माई चैनल स्केयर्ड ऑफ क्लासेस, मैं हूँ संजय। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्टरी डियर, मतलब ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को डियर के बारे में बताने वाला हूँ, मीन्स डियर का यूज कैसे होता है। डियर का जो हिंदी मीनिंग होता है, हम लोग जानते हैं डियर का हिंदी मीनिंग होता है वहां, राइट? डियर का हिंदी मीनिंग होता है वहां, लेकिन डियर का प्रयोग वहां के सेंस में हम लोग कब करेंगे और कब हम लोग किसी भी सेंटेंस को डियर से स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनको हम डियर से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि कौन से सेंटेंस को डियर से स्टार्ट करना है और कौन से सेंटेंस को डियर से स्टार्ट नहीं करना है। यदि अभी तक आप लोग इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि कब डियर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में करें और कब डियर का प्रयोग हम लोग वहां के सेंस में करें, इंट्रोडक्टरी मीन्स क्या होता है ये जान लेते हैं। इंट्रोडक्टरी मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, इंट्रोडक्टरी डियर। जिस सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस को डियर से स्टार्ट करेंगे, उस सेंटेंस में देयर को हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, मींस वहां पे देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। तो कब हम लोग करेंगे, कब देयर का प्रयोग सेंटेंस को शुरू करने में, स्टार्ट करने में किया जाता है, इसके बारे में ही हम लोग जानने वाले हैं, है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाइएगा कि कब देयर का प्रयोग वहां के सेंस में किया जाता है और कब देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में किया जाता है। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम एक रूल देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे, उसका रूल देख लेते हैं, राइट? बिकॉज रूल इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट? तो देखिए, सेंटेंस है, सेंटेंस सॉरी रूल है, देयर यदि प्रेजेंट में रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो इज लिखेंगे, प्रेजेंट में रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लिखेंगे, पास्ट में रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वाज लिखेंगे, पास्ट में रहेगा, प्लूरल रहेगा तो वर्ब लिखेंगे। देखिए सिंगुलर प्लूरल क्या है, मतलब यदि, और सॉरी उसके बाद इंडिफिनिट नाउन। अब देखिए, यदि कोई इंडिफिनिट नाउन एक रहेगा तो इज लिखेंगे, प्रेजेंट में एक से अधिक रहेगा तो आर, पास्ट में रहेगा सिंगुलर तो वर्ब लिखेंगे, अब पास्ट में एक से अधिक रहेगा तो वर्ब लिखेंगे, राइट? इंडिफिनिट नाउन, इंडिफिनिट नाउन क्या होता है उसको जान लेते हैं। इंडिफिनिट नाउन मीन्स अनिश्चय वाचक संज्ञा, राइट? अनिश्चय वाचक संज्ञा वैसा नाउन जो फिक्स्ड ना हो, अनिश्चित हो, उसको कहते हैं अनिश्चय वाचक संज्ञा। देखिए एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी सेंटेंस में किसी नाउन का प्रथम बार चर्चा करता है, किसी नाउन के बारे में यदि प्रथम बार चर्चा किया जाए, फर्स्ट टाइम चर्चा किया जाए, तो उस नाउन से पहले हम लोग लगाएंगे क्या, देयर। फिर से सुनिए, यदि किसी सेंटेंस में किसी नाउन का, है ना, फर्स्ट टाइम चर्चा किया जाए तो उस नाउन से पहले हम लोग लगाएंगे देयर, और वो होना चाहिए अनिश्चित संज्ञा, अनिश्चित वाचक संज्ञा, राइट? चलिए, और यदि प्रेपोजिशन रहे मे पर, है ना, बगल में, तो प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यदि नाउन रहेगा तो नाउन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया रूल, और इस रूल पे यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, राइट? चलिए देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है कुएं में मेंढक है। अब देखिए, मान लीजिए हमको तो पता है कि कुएं में मेंढक है, हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं कि कुएं में मेंढक है, तो उस व्यक्ति को हम उस नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेंढक हो गया क्या, अनिश्चय वाचक संज्ञा,
तो हम इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। तो देखिए देयर लिखेंगे, देयर और कुएं में मेंढक हैं, मतलब प्लूरल है मेंढक, इसलिए प्लूरल मीन्स एक से अधिक मेंढक होंगे, तो आर प्रेजेंट में है, प्लूरल है तो आर, और क्या है इंडिफिनिट नाउन लिखेंगे, तो इंडिफिनिट नाउन कौन हो गया मेंढक, तो एक से अधिक है तो लिखेंगे फ्रॉग्स, फ्रॉग्स और कहा में प्रेपोजिशन हो गया तो इन द वे में मेंढक है, इन द वे देयर आर फ्रॉग्स इन द वे, मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि कुएं में क्या है मेंढक है, तो उस मेंढक के बारे में हम उससे फर्स्ट टाइम चर्चा कर रहे हैं, तो मेंढक हो गया क्या यहाँ पे अनिश्चयवाचक संज्ञा, इसीलिए हम इस सेंटेंस को देर से शुरू करेंगे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे गांव में एक मंदिर है, हम किसी को बता रहे हैं कि मेरे गांव में क्या है एक मंदिर है, तो हम तो ऐसे नहीं लिख सकते ना ए टेम्पल इज इन माई विलेज, ये टोटली रॉन्ग होगा, ऐसा बनाना टोटली रॉन्ग होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपका जो कंफ्यूजन है कि कब हम लोग देयर का यूज करेंगे कब नहीं करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, राइट। तो मेरे गांव में एक मंदिर है, क्या है एक मंदिर है, तो मंदिर अनिश्चयवाचक संज्ञा हो गया, उस व्यक्ति को हम बता रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे किससे, देयर से, देयर। अब एक मंदिर है सिंगुलर है तो लिखेंगे इज, एक है तो ए टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल मीन्स एक मंदिर है, कहां मेरे गांव में, इन माय विलेज, राइट। अब देखिए छत पर बिल्लियां हैं, छत पर बिल्लियां हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि छत पर क्या है बिल्लियां हैं, तो ये भी हो गया अनिश्चयवाचक संज्ञा, तो इसको भी हम देयर से शुरू करेंगे, देयर एक से अधिक है तो लिखेंगे आर, क्या कैट्स। देखिए दो यहां पे नाउन है, एक नाउन बिल्लियां और एक छत, तो छत पर ये जो नाउन है ये इसको हम लिखेंगे इस प्रेपोजिशन के बाद नाउन, दो नाउन है एक बिल्लियां और एक छत, तो ये जो नाउन है छत कहां छत पर, तो प्रेपोजिशन के बाद ये वाला नाउन दिखाएगा, और कहां है बिल्लियां छत पर, क्या है बिल्लियां, तो लिखेंगे देयर आर कैट्स छत पर ऑन द रूफ, राइट। समझ रहे हैं, चलिए अब देखिए घर में राम है, अब ये राम जो है वो निश्चित हो गया, ये अनिश्चयवाचक संज्ञा नहीं है, ये डिफिनिट है, हमको पता है कि घर में राम है, और हम जिसको बता रहे हैं वो भी राम को जानता है, घर में कौन है राम है, इसका मतलब वो जानता है तभी तो हम उसको बता रहे हैं कि घर में राम है, और वही रहता कि घर में एक लड़का है, अब वो लड़का को वो व्यक्ति नहीं जान रहा है, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते, लेकिन हम बता रहे हैं उसको कि घर में राम है, और राम को जिसको हम बता रहे हैं वो व्यक्ति राम को जानता है, तो ये अनिश्चयवाचक संज्ञा नहीं है, ये हो गया डेफिनेट टर्म, इसीलिए इस सेंटेंस को यदि हम देयर से स्टार्ट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए इस सेंटेंस को हम किससे शुरू करेंगे, जब डेफिनेट नाउन रहे तो उस नाउन से ही सेंटेंस को शुरू किया जाता है, राइट। क्या लिखेंगे राम इज इन द हाउस, बोलिए आज से पहले आपको इन रूल के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होगा, राइट, और यदि आप यूज भी करते होंगे तो गलती से जहां पे देयर का प्रयोग नहीं करना होगा वहां देयर का प्रयोग कर देते होंगे, और जहां पर करना होता होगा वहां पे नहीं करते होंगे, तो आज के बाद आप देयर का सही यूज करेंगे, राइट। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सोहन और मोहन में मित्रता है,
बहुत अच्छे से समझ लेगा, राइट। यदि आपको नहीं पता है इंट्रोडक्टरी, हम बोल दिए कि इंट्रोडक्टरी का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा देयर जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। तो इससे यदि आप नहीं समझते हैं तो यहाँ पे समझिए कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी नाउन के बारे में हम बता रहे हैं और वो व्यक्ति उस नाउन के बारे में नहीं जानता है, फर्स्ट टाइम हम उसको बता रहे हैं, उस नाउन के बारे में उस व्यक्ति से हम फर्स्ट टाइम चर्चा कर रहे हैं, तो उस नाउन से पहले देयर लगेगा, मीन्स सेंटेंस को हम लोग देयर से शुरू करेंगे, राइट। चलिए, तो सोहन और मोहन में मित्रता है, हम किसी को बता रहे हैं कि सोहन और मोहन में क्या है, मित्रता है, तो मित्रता हो गया क्या नाउन। फ्रेंडशिप इज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, फ्रेंडशिप इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जिसको हम बता रहे हैं कि सोहन और मोहन में क्या है, मित्रता है, वो व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए हम उस व्यक्ति को बता रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। देयर इज क्या है, डेफिनेट नाउन लिखेंगे, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप सोहन और मोहन में, मीन सोहन और मोहन के बीच में है ना, बिटवीन, बिटवीन सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, राइट। अब देखिए, एक ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस लिया हुआ है, श्याम वहां खड़ा है। अब देखिए यहां पर वहां, वहां वर्ड है इस सेंटेंस में, तो जब सेंटेंस में यदि वहां दिया हुआ है तो वहां का अर्थ क्या होता है, देयर, है ना, श्याम वहां पर खड़ा है, तो श्याम यहां पर डेफिनेट नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो श्याम से सेंटेंस को शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या, श्याम, श्याम इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर, राइट। ये इस सेंटेंस का है, राइट। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह के सेंटेंस को देयर से यूज किया जाता है और कहां पे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है और किस सेंटेंस में देयर का अर्थ वहां होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आज के बाद आपसे अब कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ, एक और मजेदार रूल के साथ। धन्यवाद।